कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 सालों में 250 से अधिक घोटाले हुए हैं। ये जांच एजेंसियों को सबके घर भेज देते हैं, किसी ने इनके खिलाफ में कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, एकदम उनके घर ईडी पहुंच ही जाती है। फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी ईडी पहुंच जाती है, यहाँ इनके अधिकारियों नेताओं के घर ईडी क्यों नहीं पहुँच सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि धार में कारम डैम घोटाला हुआ, प्रदेश में महाकाल लोक घोटाला भी हुआ, आज प्रदेश तस्वीर चौपट वाली तस्वीर है। आज बीजेपी के पास में छिपाना, दबाना और डराना ही बचा हुआ है। मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई, पर प्रियंका जी आप ऐसे प्रदेश में आए हैं जो आज चौपट प्रदेश है। यहाँ चौपट रोजगार, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान यहाँ खड़े हैं, यहाँ चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था, ये आज तस्वीर प्रदेश की आप सबके सामने है। ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। और जब मैं ये नौजवानों की ओर देखता हूं, सबसे बड़ी चिंता आज हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में। अगर नौजवान का ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। आज सबसे बड़ी चुनौती, बहुत सारी चुनौतियां हमारे प्रदेश में हैं। एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन सच्चाई कह रहा है? पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। आपका अनुभव क्या है, आपका जीवन क्या है, आपके संघर्ष क्या है, क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए, 10 गुना पिछले 5 सालों में, 3.5 सालों में, जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? मुश्किल हुआ है। आपको मालूम, आप कह रहे हैं किसानों की आत्महत्या 17,000, मैंने अभी एक आंकड़ा सुना कि लगभग 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या की है पिछले 18 सालों में। तो सोचिए कि आपकी सच्चाई आज क्या है। किसी की बातों में मत पड़िए। आज की तारीख है